आकांक्षा मारुति शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का मामला पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। 12 अगस्त बुधवार की सुबह जनपद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित आकांक्षा कार शोरूम में तैनात सुरक्षा गार्ड की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 315 बोर की लाइसेंस बंदूक भी बरामद कर ली। हत्या करने वाला एक साल पहले इसी कार शोरूम पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मझौला थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड पर मारुति के शोरूम आकांक्षा मारुति में सिक्योरिटी गार्ड शाकिर की बुधवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाश ने शाकिर को गोली मारी और फरार हो गए। मृतक शाकिर मझौला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की मिलक का रहने वाला था। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि हत्या करने वाला अभियुक्त सुरेश शर्मा निवासी बीरमपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। मृतक शाकिर और अभियुक्त दोनों आकांक्षा ऑटोमोबाइल में एक साथ नौकरी कर रहे थे। करीब एक वर्ष सुरेश के वेतन के पैसों को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर से विवाद हुआ था, जिसमें शाकिर ने बेवजह बीच में पड़कर मुझसे लड़ाई झगड़ा किया था। सुरेश ने बताया कि एक साल पहले को 6 से 7 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, जिसके संबंधों में थाना मझौला के 420, 19, 147, 323, 324, 504, 506 मुकदमा पंजीकृत कराया था। सुरेश ने बताया कि बाद में पता चला कि हमला करने वालों के पीछे शाकिर का हाथ था, तभी से शाकिर से रंजिश मानता था। सुरेश ने कार शोरूम से नौकरी छोड़ दी, तभी से शाकिर को सबक सिखाने की फिराक में था। लगभग एक महीना पहले सुरेश को पार्थ ओवरसीज में गार्ड की नौकरी मिल गई, तभी से वह इस फिराक में था कि मुझे शाकिर को सबक सिखाने का मौका कब मिलेगा। दिनांक 12 अगस्त 2020 की रात में मौका पाकर अपने साथी गार्ड ऋषि पाल के साथ आकांक्षा पर आया और समय करीब 2:30 बजे अपनी लाइसेंसी राइफल 315 बोर से गोली मारकर शाकिर की हत्या कर फरार हो गए थे। अभियुक्त सुरेश शर्मा की निशानदेही पर घटना के प्रयोग लाइसेंसी राइफल 315 बोर, 3 कारतूस जिंदा, 1 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं। इसमें कल रात को पुलिस को सूचना आई थी, थाना मझौला क्षेत्र में मारुति का शोरूम है आकांक्षा शोरूम के नाम से, वहाँ पे जो एक गार्ड कार्यरत था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर लगभग इसका अनावरण किया। इसमें दो व्यक्ति सुरेश शर्मा निवासी बीरमपुर थाना बिलारी और दूसरे उसका साथी ऋषि पाल पुत्र केहर सिंह, ये भी थाना बिलारी का है, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों भी गार्ड की नौकरी करते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है कि लगभग एक साल पहले जून माह में ये जो मृतक था शाकिर और जो सुरेश शर्मा है, ये दोनों उसी आकांक्षा शोरूम में काम करते थे। इनके बीच में तनातनी रहती थी काम को लेकर। वहाँ पे एक बार कुछ 5-6 लड़कों ने जो मृतक है जो सुरेश शर्मा है जो अभी पकड़ा गया है उसके ऊपर अटैक हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, उसमें चार्जशीट भी लगी थी। तो इस जो मृतक है शाकिब, इसके ऊपर सुरेश को हमेशा शक था कि जिन लड़कों ने मेरे को मारा है ये इसी शाकिब के द्वारा मुझे पिटवाया गया है। उस FIR में शाकिब का नाम नहीं था, बट क्योंकि कभी हॉस्पिटल में ये इससे मिलने नहीं आया, इसने ऐसे बताया, नहीं कभी मेरे देखभाल या फ़ोन पे मेरे बारे में पूछा, और घटना के बाद जिस तरह से इसका रवैया था इसको लगा कि जरूर इसके पीछे शाकिर का ही हाथ रहा है। उसके बाद उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। लगभग 1.5 माह पूर्व ये पास में ही पार्थ ओवरसीज में अगर वापस से वहाँ पे गार्ड की नौकरी करने लगा, तब से ही इसके मन में चल रहा था कि मुझे मेरे साथ जो घटना हुई है इसके पीछे शाकिर का हाथ है, इसका मुझे बदला लेना है। कल रात को लगभग 2:50 के अराउंड ये आकांक्षा शोरूम के वहाँ आया और इसने वहाँ पे सोते हुए शाकिर को मौका पाकर अपनी जो उसके पास राइफल थी उससे गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें वहाँ के आसपास के जो शोरूम के CCTV फुटेजेस थे और अगल बगल के CCTV फुटेजेस, इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, इससे बड़ी पुलिस को सहायता मिली और इस केस को सफल अनावरण करने में इससे मदद ली गई। इसके अलावा भी देखा गया कि इससे लगभग
एक घंटे पूरा भी वो वहाँ पे आया था, और वो देख के उस समय कोई और व्यक्ति था इसके साथ, उसने इधर देख के गया था, फिर वो वहाँ से अपने जो पार्स ओवरसीज है वहाँ चला गया था, और फिर ये वापस अपने एक साथी ऋषिपाल को लेके आया पैदल, वो दिख रहा है वहाँ पे जाते हुए सीसीटीवी में। ये सब इसके द्वारा बताया भी गया है। और इसके पास से एक लाइसेंसी राइफल 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद की गई। सर, जिस तरह कल पता चला था कि जिसकी मौत हुई है आयल गार्ड ने मरने से पहले अपने परिवारजनों को कॉल किया था, तो क्या उसने भी तब्दील की थी किसी गोली मारने या वो दे नहीं पा रहा था किसी ने? ये जो उसने फ़ोन आया था वो बता नहीं पाया था, उसने अपने पिता से पूछना चाहा होगा पर लेकिन वो बात उसे क्लियर नहीं। जब ये यहाँ पे आए और इसके पिता को सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इस बीच कोई किसी का नाम नहीं खुल पाया था, इसलिए मुकदमा भी अज्ञात में दर्ज किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ये लोगों के नाम खुले हैं और इनके पूछताछ में पूरा घटनाक्रम का अनावरण हुआ है। थैंक यू।